हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार गुप्ता और हम चाहते हैं कि घोड़ा सबको आसानी से उपलब्ध हो जाए और सब उसकी मेंटेनेंस कर सकें। ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जिनकी इनकम कम है मगर वो घोड़ों के प्रेमी हैं और घोड़ा पालना चाहते हैं। उनको ये डर रहता है कि उनको भ्रम रहता है कि हम घोड़ा कैसे पाल पाएंगे, उसका खर्चा कितना होता है, रजवाड़ों का शौक है, बहुत कुछ हजारों में खर्चा होता होगा उसको दिन भर में। तो ये भ्रम हटाने के लिए हमने कई व्यापारियों से बात की और उनसे पूछा कि कम से कम खर्चे में घोड़े को कैसे पाला जाए और कैसे शौक बरकरार रखा जाए। उम्मीद है कि आपको इन जानकारियों से अच्छी मदद मिलेगी। अन्ना जी, आप यहाँ पर कब से घोड़ों के में कब से आप रहे हैं? यहाँ से कम मैं तो 10-12 साल से आ रही हूँ। नहीं, घोड़ों में कब से हैं? घोड़ों से बचपन से हूँ। बचपन से ही? बचपन से हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, बचपन से है। तो आप मुझे बताइए, जो 6 से 1 साल तक का जो घोड़ा है, अगर कोई खरीदता है ना, और उसको 25-30 हज़ार रुपये इसकी इनकम है, बस ज़्यादा नहीं है, पर वो घोड़ा रखना चाहता है, बड़े प्यार से घोड़ा प्रेमी है, 6 से 1 साल तक का घोड़ा, मतलब 6 महीने से लगा के एक साल तक का, अच्छा हाँ, वो कोई रखना चाहता है जी। तो उसके जो है डेली की डाइट कितने रुपए की हो जाएगी, ठीक ठीक जो पोसा सके उसको? नहीं, वो पोसा सके तो वो तो अब जैसे नॉर्मली घोड़ा रख सके तो नॉर्मली उसको खिलाना पिलाना है। नॉर्मली में कितनी डाइट होती है? नॉर्मली में तो मेरी बात सुनो, कम से कम नहीं करते 200-300-200 रुपये तो नॉर्मली हो ही जाएगा। 200-250 रुपये अगर खरीद के खेले, 250 रुपये कर ले चलो जी। 250 रुपये में क्या क्या आप उसको 250 को ब्रेक करो जी, कितने का क्या क्या आ जाएगा भाई? उसको अगर वो बच्चा है तो दूध भी पिलाएगा। हाँ हाँ कितना दूध हो जाएगा? दूध पिलाएगा तो 1.5-2 लीटर दूध पिला देगा। ओके, 1.5-2 लीटर दूध पिला देगा, 70-80 हज़ार रुपये का तो दूध ही हो हो जाएगा, गया, हो गया है ना। 1 किलो चने तो खिलाना ही पड़ेगा, ओके। बच्चा छोटा है तो हाँ हाँ उसके लिए 1 किलो चना अगर खिलाओगे अभी हाँ, तो तो कम से कम 40 हज़ार रुपये का चना होगा, ओके, 40 से 45 रुपये तक, ओके, ठीक है। उसके बाद उसको गेहूं का चापड़ भी खिलाना पड़ेगा, कुछ भूसा भी खिलाना पड़ेगा, कुछ ये अपने को डाइजेशन के लिए इसको देना भी पड़ेगा, मसाला वसाला, तो उसके लिए 200-250 लगभग लगभग में हो जाएगा, हो जाएगा पर डे उसको। अच्छा, जो आपने बाद में बताई चापड़ और भूसा जी, ये कितना कितना देना पड़ेगा? ये तो मेरी बात सुनो, उसको डाइट के ऊपर है, डाइट के ऊपर है, डाइट के ऊपर है। आप कम खिलाओगे, अच्छा मेंटेनेंस रखोगे तो कम ही खाना है उसको, और बाकी घुमाया फिराया नहीं, चलाया नहीं, कर दिया तो फिर उसको तो डाइट ज्यादा बढ़नी है उसकी। अच्छा, तो कम ही ज्यादा, इतना बड़ा तो नहीं है कि जो खा सके। 6 महीने का बच्चा, 6 महीने बच्चा, 1 किलो चापड़ हो जाए, 6 महीने किलो चापड़, किलो भूसा भी। अपने बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ हाँ हाँ, बिगाड़ भी देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। हाँ, तो बच्चे हैं वो तो कुछ बिगड़ेगा, कुछ खाएगा उनको। अच्छा, ये तो हो गया 6 साल, 6 महीने से 1 साल तक का, और 1 साल से 2 साल तक का बच्चा हो कोई, फिर उसका डबल कर लो, उसका डबल कर ले। हाँ, अच्छा, और फिर 2 साल के बाद में 3 साल तक का, फिर उसका 3 गुने कर लो। अच्छा, ऐसा कर दो, बस तो बढ़ना था, खर्चा बढ़ेगा, इसी हिसाब से बढ़ेगा, बढ़ना तो खर्चा था भाई, थोड़ा बहुत इसमें। मान लो कि अगर वो जब अच्छा ही हो जाए तो उसकी वो लाइन भी चल जाए तो उसके कमा लेगा, वो कमा लेगा, तो उसमें कमा लेगा, और कुछ नहीं करेगा, ब्याह शादी में चला लेगा, कुछ भी कर लेगा तो उसमें चलेगा, उसमें चलेगा। भाई जैसे आपने बोला कि 2 गुना 3 गुना हो जाता है, 3 गुना उसकी उसकी पेमेंट भी तो बढ़ेगी, बढ़ेगी पेमेंट, बढ़ेगी उसकी पगार भी तो बढ़ेगी अगले, उसमें कुछ डिस्काउंट भी तो हो सकता है, नहीं मतलब कम भी हो जाएंगे नहीं भैया, कितने तो हो जाएंगे, 250-250-250 मतलब 3 साल में 750 का ही खिलाएगा वो रोज का, उसमें 500 में भी काम हो, धक्का लग जाएगा उसका, अच्छा कहीं 500 लग जाए, ऐसे तो रहेगी नहीं पूरी, क्योंकि उसको दूध भी बंद हो जाएगा। अच्छा, दूध बंद तो कम हो जाएगा उसका, कम हो जाएगा, सही है, ओके। बस ये आपसे पूछ रहा था कि भाई किसी किसी को डर लगता है कि कितना खर्चा होगा, तबड़ा जानवर है, नहीं नहीं मालूम पड़ा है कि 2-2 हज़ार रुपये का, जानवर से डरता ही नहीं है, नहीं नहीं 2-2-3 नहीं, वैसे नहीं डरता, खर्चे से डरता है, खर्चे से डरता। देखो मेरी बात सुनो, कई आदमी ऐसे हैं कि खाली शौक के पीछे ही दीवाने हैं, और शौक जब भी कर सकते हैं वो, कि जब उनका दिल ही बड़ा है, ये तो गए अच्छे अच्छे करोड़पति भी है, नहीं तो वो शौक पूरा नहीं कर सकते, वो शौक पूरा नहीं कर सकते, घोड़ा ही इसको भी, दिल्ली दिल्ली छोटा होता है, इसकी बहुत बड़ी दिल्ली है, जानवर की कोई सा भी जानवर रखो, चाहे कुत्ता रखो, बिल्ली रखो, के तोता पालो, मैना पालो, के बतख, कोई भी रखेगा नहीं जानवर, तो उसको तो दिल्ली नहीं रखना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अंजना जी, आपने मजा आ गया, ठीक है साहब। पकड़ लो उसको,
तो गाजी स्टर फार्म के पास हम आए हैं मिस्टर नासिर साहब और शफी साहब से बात करने के लिए। शफी साहब, हॉर्स लवर्स की प्रॉब्लम होती है कि एक 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला जो है वो घोड़ा रखे, परंतु वो लोगों में भ्रम हो रखा है कि ना बहुत महंगा 40-40 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता है, 50 हज़ार रुपये ऐसे देखते हैं वीडियो यूट्यूब पर और फैला देते हैं लोग, तो उनमें डर बैठ गया है कि ना हम कैसे संभालेंगे, तो लेते ही नहीं है। तो कृपया हम प्रैक्टिकली जो है आपसे हम पूछना चाहते हैं कि एक दिन का एक घोड़े का जो है कितना खर्चा आ जाएगा, तो अगर वो नॉमिनल होता है तो इकोनॉमिकल होता है तो सही है, तो उनका डर भी दूर हो जाएगा। जरा बताएं सर, किस तरह का खर्चा आता है एक दिन का? देखिए, इसमें तो ऐसा है कि कोई जैसा आदमी वैसा खर्चा करना बिल्कुल अभी चाहे घोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन खिलाना तो उसको एकदम ज़्यादा भी नहीं और एकदम कम भी नहीं। और अगर ज़्यादा खिला देंगे तो आपके घोड़ों के पैर ख़राब हो जाएंगे, वज़न बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अभी हम लोग जो डाइट देते हैं, हमारा तो बहुत सिंपल डाइट है। बिल्कुल। हमारे इधर शुगर केन मिलता है 5 रुपये के। हाँ। बराबर, वो हम 15 किलो एक घोड़े को पर डे देते हैं। ओके, तो 75 रुपये तो ये हो गया। ये हो गया बराबर। और हम देते शुगर केन जैसे आपका ये जो रखा है, ये गन्ने का कुट्टी, मक्के का कुट्टी। ओके। और दूसरी बात ये है क्या, हम लोग उसको देते हैं अपना जो भूसा बोलते हैं, चोकर 4 किलो देते हैं हम लोग। okay. 20 रुपये के जी वो हो गया, 80 रुपये तो हो गया। बिल्कुल। और जो बरसन घास बोलते हैं, जिसमें हमारे इधर बोलते हैं घोड़ा घास, वो हम एक पिंडी जाता है 20 रुपये का। हाँ। तो उसको हम समझ लो 5 पिंडिया देते हैं, हो गया 100 रुपया। बस यही बस डाइट है घोड़े का हमारा तो। अच्छा। और अगर एक्स्ट्रा कुछ तैयारी लेनी है तो जौ हो गया, चना हो गया, ये खिला सकते हैं, दूध हो गया। वो अपने पे डिपेंड है, घोड़ा कितना तैयार करना है। ज्यादा तैयार करके भी उसके पैर खराब हो जाएंगे। या तो उसको काम कराओ, को काम भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो डाइट बता रहा हूँ ये एकदम बेस्ट है, बेस्ट है। बाकी आपके सामने रिजल्ट है। बिल्कुल। देख लीजिए, एक बात बताओ, जब भाई आपको आपके यहाँ कोई ग्राहक आता है जी, आप चाहते हो ग्राहक लेके जाए सही है जी। इतने सारे घोड़े मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ तो, और आपको एक्सपीरियंस बहुत सारा है जी, हमारे वीडियो देख के कई लोगों के जो है शौक आता है कि हम घोड़े खरीदें, पर कई लोग हमसे पूछते हैं कि घोड़े रखने में महंगाई तो नहीं है जी, तो ये डर आप उनको जो है आपके घोड़ों के बिजनेस से दूर ले जाता है जी, सही है। तो आप मुझे बताएं कि एक घोड़ा प्रेमी है जो एक लगभग मध्यम वर्गीय इंसान है, है ना, 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाता है, है ना, वो एक घोड़े का मिनिमम खर्चा कि वो बस राइड कर ले सही ढंग से, खाने पीने का खर्चा कितना हो जाएगा एक दिन का? खाने पीने का देखो, अपने ऊपर घोड़े को खिला सकते हो तुम तो 1,000 रुपए रोज खिला सकते हो। नहीं, खा तो कितने हजार का करते हैं, 20-30 हज़ार रुपए महीना है ना उसका पेमेंट ही है इस हिसाब से। क्यों, आप दूध लगाएंगे, दूध पिलाएंगे, खाने खर्चे बहुत सारे हैं घोड़े के, दूध भी पिला सकते हो, दूसरे आइटम भी खिला सकते हो आपको, तो उसमें कैसा रहता मीडियम खर्चा घोड़े का। एक चारा, हरा चारा नहीं खिलाया तो घोड़े को जो अपना बोलते हैं गऊ का चप्पल चूरी बोलते हैं भूसा, वो 3 टाइम घोड़े को पेट भर के मिला तो भी घोड़ा एकदम व्यवस्थित रहता है। तो उसका कितना खर्चा हो जाएगा? उसका खर्चा नॉर्मल आता है, देखो कितना भी कम 200 रुपये का घोड़ा एक दिन में खाना। अच्छा, इसके अलावा और क्या खिलाना पड़ता है? अपना हरा चारा वगैरह खिला सकते हो, गऊ खिला सकते हो, कम से कम 200 रुपये घोड़े का खर्चा आता है जी। उसमें क्या क्या आप बता दो लोगों को, दिन भर में क्या क्या खिलाएगा? मीडियम घोड़े को खिलाते हैं, हमारे घोड़े 24 घंटे खाते हैं। मैं तो 25-30 हज़ार रुपये जो महीने में कमा रहा है वो 200 रुपये अफोर्ड कर लेगा दिन के। हाँ। वो 200 में क्या क्या खिलाए? वो चापड़ भूसा आता है, ये गऊ का, वो खिला सकता है, हरा चारा भी दे सकते हैं। अगर 150 रुपये का भूसा खिलाया, उसके अंदर गऊ का कुटार बोलते हैं, कड़वे की कुट्टी बोलते हैं, यानी जो बाजरे की कुट्टी वो डाल सकते हैं, बाजरे की कुट्टी और गऊ का भूसा, ये चीज़ नॉर्मल चीज़ है, ये हर समय घोड़े ने खाया फिर भी व्यवस्थित रहता है, 3 टाइम उसको खुराक होना ये और घोड़ा एकदम व्यवस्थित रहेगा, और हरा चारा एक टाइम पास करने को, यानी जायका चेंज हो जाए, हरा चारा थोड़ा दे सकते हैं, और निश्चित हरा चारा खिलाया तो घोड़ा बन नहीं तैयार नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, वो सिर्फ हरा खाएगा और हरा ही मतलब संडास में जाएगा, तो इसके लिए सिर्फ हरा चारा
एक पेट का जायका और पेट सब रखता है, इसके लिए हरा चारा खिलाते हैं। और बाकी मीडियम खाना उसका क्या चाहिए, मेन खाना कि अपना दान है, यानी गेहूँ खिला सकते हो अपना भिगा के, सुबह में भिगा या शाम को डाल दिया, आधा किलो के हिसाब से जितना घोड़े को पचा जाए वो खिला सकते हो, उसमें घोड़ा बहुत तैयार होता है गेहूँ से। हमारा अनुभव ये है कि दिन में गेहूँ तुमने खिलाया घोड़ा तैयार नहीं होगा, नाइट में आपको घोड़े को गेहूँ लगभग आधा किलो और यानी एक किलो अगर समा जाए उसको, यानी चीरा नहीं लगे, तो आप दिन में भिगा सकते हो सुबह में और थोड़ा नमक डाल के, और शाम को घोड़े को निकाल के और उसको खाने को डालेंगे तो घोड़ा खाएगा, रात को सोएगा, उससे बहुत तैयार होता है घोड़ा। हम ये चारा ज़्यादा खिलाते हैं, नाइट में गेहूँ देते सिर्फ मस्त, और बाकी दिन में हरा चारा वगैरह, और ये अपना आता है गेहूँ का भुस्सा, कड़वा कुट्टी है गेहूँ का, वो अपना कुटार आता है, ये MP में कुटार बोलते हैं, वो खिला सकते हो। और MP के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा गेहूँ का अपना चने का भुस्सा निकलता है, वो खिलाते ज़्यादा, उससे भी घोड़ा अच्छा तैयार होता है। और बाकी यहाँ महाराष्ट्र में, राजस्थान में और MP में सब ये गेहूँ का भुस्सा तो हर जगह मिलता है, वो खिला सकते हो, बहुत प्यारा बनता है घोड़ा। मगर ये दिन की खोरा, अच्छा बनाना है तो गेहूँ रात को भिगाओ, दिन में भिगाओ, रात को खिलाओ, व्यवस्थित तैयार होने बहुत अच्छी। और बाकी ज़्यादा तैयार करना तो बोलते जाता है नहीं, वो फिर तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बच्चे को दूध वूध पिलाओ अपना, दो दो लीटर अगर दूध मिल गया घोड़े को तो घोड़ा ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत तैयार होता है। दूध क्या एक शाइनिंग लाता है, रूप लाता है, रूप किसको बोलते हैं, जो बाजार के अंदर हम लोग घोड़ों को इतना साफ सुथरा करके रूप लाते हैं, और घर पर जानवर रहता है तो कोई नौकरी वाला है, कोई किसको टाइम नहीं मिलता है, वो लोग इतना खुर्रा मालिश नहीं कर पाते, वो दूध एक घोड़े को शाइनिंग लाता है, जितने बाल खिरेंगे बाल गिरेंगे उसके आंग के उतनी शाइनिंग आती है जानवर पे, और खुर्रा बुरुस जरूरी है। देखो आपको बताऊँ, हर इंसान हर व्यक्ति घोड़ा रखने की च्वाइस रखता है, सिर्फ वे बात क्या है वो लोग खर्चे से और घोड़े की एक खैर, यानी उसको खैर बहुत मेंटेनेंस मेंटेनेंस, और बच्चों को इतना ही देखना पालना पड़ता है जितना इनको देखना पालना पड़ता है। शौक एक अच्छा है, रजवाड़ी राजा शौक है, हाँ रजवाड़ी राजा शौक है। आज UP के अंदर 90% समझ लो, आज भी पुराने बुजुर्ग जो एक एक घोड़ा रखते थे, आज उनके औलाद यानी उनके लड़के उनके बच्चे पुरखों के मन लगाते हैं, शौक अभी भी चालू है, यानी एक घोड़ा भले चलाए नहीं जो घर को एक बांध के रखते हैं कि दिखना चाहिए यहाँ घोड़ा हमारे पुरखों ने रखा था, माहौल बना हुआ है। हाँ जी, ये अलग शौक है, बहुत अलग, एक नशा उतर सकता है मगर ये शौक बहुत बेकार है, एक बार जिसको लग गया उतरता नहीं। अरे बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर निज़ाम जी से, जो मथुरा से आए हैं, और ये करीब मेघा से 25-30 घोड़े लेके आए ना, 25-30 घोड़े लेके आए हैं। हम आपसे निज़ाम भाई एक बात जान चाहते हैं कि मैं एक 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति हूँ महीने का, मुझे घोड़ा खरीदना है, ओके, पर मुझे डर लगता है कि मैं कितना उसको इसका खर्चा वहन कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे जो है मिनिमम खर्चा दिन भर का इसका बताएं कि कितना चल जाता है। ये तो आपके यहाँ अपने नसीब का लेके जाएगा, आपका खिलाओगे इसको तो, आप खर्चा उसे मत मानो, ये अपने नसीब से आपके यहाँ लेके जाएगा। मैं इसको लेके चलाऊँ बस अपना हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, इसके जो नसीब में जितना अपने आप हो जाएगा। अच्छा, हाँ तो आपने बात ही खत्म कर रहे हो क्या? बात खत्म नहीं कर रहे, शुरू कर रहे हैं। तो शुरू कीजिए ना, पैसों आजकल पैसा चलता है, पैसों में आपने बताओ ना, पैसा मिनिमम आता है, खर्चा 100 रुपये से कम नहीं आता, बोलेगा 100 रुपये से कम नहीं आता ना, ऐसे लगाओगे तो ऐसा। हाँ वही तो 100 रुपये पर डे में मैं इसको क्या क्या दूँ और कितना कितना दूँ? 1 लीटर दूध, 2 किलो चोकर गेहूँ, बाजरी वो खिलाओ। 1 लीटर दूध, 2 किलो चोकर और बाजरी, कितना बाजरी खिला दो? आधा किलो। ये 100 रुपये में पूरा हो गया? अच्छा, तो 100 रुपये में इसको इतना मैं अगर खाऊंगा डेली इन घोड़ों को, आप एक किस उम्र वाले की बात करें, इन उम्र वाले की बात कितने उम्र है? 1 साल डेढ़, 1 साल से अंदर, 1 साल से अंदर की, ओके 1 साल के अंदर की है ना, तो इनको कोई नुकसान होगा क्या अगर मैं इतना ही रखूंगा या थोड़ा और ज्यादा करना? ज्यादा खिलाओगे तो जल्दी बनेगा घोड़ा, जल्दी बनेगा। अच्छा अच्छा,
दूध तो ऐसे एक लीटर दो लीटर चार लीटर पीने को तो पांच लीटर दस लीटर भी पिएगा। तो जैसा खिलाओगे वैसा पाओगे। अच्छा, तो आपने जो बोला मुझे कि 100 रुपए जो खर्चा बताया उसमें इस घोड़े का बस ये जिंदा रहेगा ऐसा है क्या? बस नहीं नहीं नहीं, सही तो बनेगा ना, वो सही रहेगा, सही रहेगा ना, ऐसा नहीं कि बस मैं जिंदा हूँ भाई। नहीं नहीं ऐसा नहीं बनेगा, वो बनेगा ना। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना खर्चा है, उसको और करते जाओ और करते जाओ उतना ही अच्छा बनता, उतना ही अच्छा बनता जाएगा। ख्याल भाड़ा बना दो, जितना ज्यादा खिलाओगे उतना ज्यादा अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा थोड़ी ये बात। देखिए कितने सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है यूट्यूब के लिए। गुप्ता जी आपको मिलने के लिए आए इधर। अरे गुप्ता जी अपने पड़ोसी हैं। बताइए कि जैसे कोई घोड़ा लेने आता है, जैसे ये हम मध्यम वर्गीय 40-50 हज़ार मान लो 30 हज़ार रुपये इनकम है हमारी महीने की, मान लो घोड़ा खरीदना है हमको, तो डर है कि ना भाई कितना खा लेगा घोड़ा, कि खर्चा तो इतना बड़ा जानवर है। जैसे खिलाओगे ऐसा खाता है, 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक रोज खाता भाई। है ना, मान लो कि हमको 300 रुपए खर्चा करना है। हाँ। 300 रुपए खर्चा में दिन भर में क्या क्या आ जाएगा उसका? 300 रुपए में सब चीज आ जाती है इसकी, जैसे चोकर दाना और मान लो दूध उध पिलाना, तो 1.5 किलो दूध भी पिलाना चाहिए इसकी। अच्छा, जैसे मुझे थोड़ा बता दे कैलकुलेशन, 300 रुपए में इसको हम क्या क्या खिलाएं? 300 रुपए को बांट दो, 100 रुपए का ये खिला दो, ऐसा कुछ बता सकते हो आप? 100 रुपए का चोकर, 100 रुपए का चोकर, 50 का भूस, 100 का दूध, 250 का 50 का गुड़, 50 का गुड़ चना ले लो, गुड़ ले लो। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें बच्चा स्वस्थ रहेगा? स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल फिट, बढ़िया बढ़िया रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।